तो मैंने अमेजोन से मंगाया इतना बड़ा पार्सल, तो चलो इसको अनबॉक्स करके देखते हैं क्या इसमें वो सारे प्रोडक्ट हैं जो कि मैंने ऑर्डर किए थे। तो सबसे पहले इसमें निकला इसका बिल जो कि 599 रुपीज़ का है। तो हाँ, ये सारे प्रोडक्ट मैंने 599 रुपीज़ में मंगाए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इसको ओपन किया तो इसमें एक साइड तो इतने सारे पेपर भरे हुए थे, तो मैंने सोचा कहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया ना। लेकिन नहीं, इसके अंदर एक छोटू सा बॉक्स भी था जिस पर टेप वगैरह लगा हुआ नहीं था, ये इसे ही ओपन आया था। फिर उसके बाद मैंने इसको ओपन किया और इसमें सबसे पहले निकली ये शीट जिस पर हम कोई भी पेंटिंग वगैरह बना सकते हैं। तो मैं इस पर डेफिनेटली ट्राई करूँगी और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो नेक्स्ट आइटम है हमारा ये 6 कलर। तो मैंने सोचा था ये वाले 6 कलर निकलेंगे, लेकिन नहीं, ये मेरी सोच से थोड़े अलग निकले। तो इनकी बोटल्स भी काफ़ी छोटी थी। फिर उसके बाद ये 4 कलर्स थे जैसे कि गोल्डन, सिल्वर, ये इस तरीके के 4 कलर्स थे जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थे। और नेक्स्ट है ये बड़ा वाला बॉक्स जिसके अंदर हैं 10 कलर्स। तो मैं इन सारी डिब्बियों को आपको उल्टा करके दिखा रही हूँ कि इसमें कौन कौन से कलर हैं, लेकिन ये डिब्बियाँ ना काफ़ी बड़ी हैं जो कि मुझे एक डिब्बी ना 25 रुपीज़ की मिलती है शॉप पर। तो इसमें ना इस तरीके से 10 कलर्स हैं। तो इनकी डिब्बियाँ काफ़ी छोटी हैं, लेकिन ये दोनों सेम टू सेम है, बस वो छोटी डिब्बियाँ हैं, ये बड़ी डिब्बियाँ हैं, तो आप खुद ही देख सकते हैं। तो कोई नहीं, चलो नेक्स्ट है ये पेपर जिस पर ना सारे कलर्स का मेजरमेंट दिया हुआ है कि आप इनको मिक्स करके कौन सा कलर बना सकते हैं। और नेक्स्ट है ये ब्रश जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये 10 रुपीज़ की मिल जाती है आराम से मार्केट में, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है मेरा ये वाला कलर किट जो कि है ग्लास कलर। तो इसमें मुझे मिले हैं अराउंड 6 कलर्स। तो ये कलर्स ना काफ़ी लाइट हैं, तो मैंने कभी ग्लास कलर का यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं सारे ही कलर ऑर्डर करती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस में भी मिल जाएंगे और काफ़ी सारे कलर्स ऑप्शन भी होंगे जब मैं क्राफ्टिंग करूँगी। तो इस तरीके से ये काफ़ी लाइट कलर हैं जो कि मुझे रिसीव हुए हैं। तो उसके बाद फिर मैं आपको ये सारे कलर एक साथ दिखा देती हूँ कि ये देखिए ये 6 कलर हैं। और उसके बाद है ये प्रोडक्ट, ये है शायद 3D कलर्स। हाँ, ये है ब्लैक 3D कलर जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं आपको इसको निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए ये इस तरीके से ट्यूब में है और इसके साथ मुझे ना ये रिफिल भी रिसीव हुई है जिसको मैं इसके ऊपर लगाकर इस तरीके से कहीं पर भी इसकी आउटलाइन बना सकती हूँ। तो देखिए काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है और ये काफ़ी अच्छी है। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है लास्ट प्रोडक्ट। तो इसमें मुझे 10 प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं। तो इसमें 5 हैं आउटलाइनर जो कि आप देख सकते हैं वाइट कलर में और इस तरीके से रेड में और पिंक सा है और इस तरीके से ना काफ़ी लाइट कलर में है, जैसे कि हम कोई भी ड्राइंग या पेंटिंग बनाते हैं तो उसके आउटलाइन बनाने में ना काफ़ी इजी हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं जो कि मार्केट में 25 रुपीज़ का एक पड़ता है। और उसके बाद है ये ग्लिटर कलर जो कि मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरीके के हैं। तो ये भी मुझे 5 प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं। तो ये भी काफ़ी लाइट हैं, तो किसी भी चीज़ को ग्लिटरी बनाने के लिए ये भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इस तरीके से मैं आपको इनको एक साथ दिखा देती हूँ। तो ये है फाइनल। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।